गाइस, रात से हमारे वहाँ बारिश हो रही है। रात के 1 बजे से बराबर बारिश हो रही है। इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बहुत ही अच्छा मौसम हो गया हमारी तरफ का। तो मैंने सुबह सूट करा, रात में पहले मैंने सोचा सूट कर लेती हूँ, पर फिर नहीं करा। फिर आज मैं सुबह उठ के मैंने सूट किया, बराबर बारिश हुई है। और तो बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था गाइस। और प्लीज़ एंड तक बने रहना चैनल पे, जो न्यू आते हो ब्लॉग में, कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए। गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो पता है, रात के आज 1 बजे से बारिश हो रही है। करेक्ट 1 बजे से रात से बारिश हो रहा है, इतनी तेज़ से हो रहा है। और अभी सुबह के हो गए हैं 8:30, और बराबर बारिश हो ही रही है। ठंडा सा मौसम हो गया, मैंने अभी नहाया नहीं है। और आज हमको रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आई। हम पूरी रात जगते रहे, हमको बिल्कुल भी नींद नहीं आई। तो थोड़ा सा सुबह सोए हैं वही 6:30 बजे के टाइम पे, तो 7:30 बजे उठे हैं, 1 घंटे जो सो गए हैं। और मेंढक की आवाज़ आप लोग सुन रहे होंगे ना, बहुत तेज़ से मेंढक बोल रहे हैं। पता नहीं कहाँ बोल रहे हैं, पर आवाज़ आ रही है, मुझे सुनाई दे रही है बहुत तेज़ से। हाँ, तो ये चीज़ है। बारिश बहुत ही अच्छी हुई, ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। और बाहर का हम आपको अभी दिखा रहे हैं कैसा। ये रहा मेरा छोटा, और छोटा मेरा देखो मेरे पीछे है। गुड मॉर्निंग बोलो। रात के हुए हैं। ठंडे ठंडे पानी से, और मम्मा मेरे बाल खींचने जा रही है। आज मेरे वहाँ बारिश हुई थी तो ठंडा ठंडा पानी आया है। आपने तो देखा होगा ना, बारिश हुई थी वही ठंडा ठंडा पानी आया, तो मेरे को जाड़ा लग गया। आप भी तो कुछ बोलो। हमने भी अन्य कर लिया, अनिता ने भी अन्य कर लिया। आज थोड़ा हमने लेट में अन्य करा है ना, क्योंकि आज ठंडा ठंडा पानी आ रहा। आज ठंडा ठंडा पानी था और हमारे पूरे आंगन में पानी भर गया है। तो हमने तखत को हिलाओ नहीं, हमने तखत को पीछे कर दिया उठा के। एक तखत अभी पड़ा हुआ है, उसको भी साफ करेंगे। और पूरा नीचे का साफ पानी मैंने निकाला है, अभी साफ करने को पड़ा है। और अनिका अन्नू करके आई है, तो इनको हम अच्छे से रेडी कर देते हैं। और मासी बता दो क्या कर रही है। मासी खाना बना रही है। आज क्या बनना है? आलू की सब्जी। आलू और टमाटर, और उसमें क्या डाला है? न्यूट्रीला। न्यूट्रीला और बातें कर लो। मैं करूंगी, अब आपको मैं शाम को मिलूंगी, बाय। इतने काले काले बादल हैं। कल रात 1 बजे से बराबर यहाँ पे बारिश हो रही है गाइस, और अभी तक अब जाके बारिश, शाम के वही 6:30 बज गया है, तब अब जाके बारिश बंद हुई है। और सारे खेत में देख सकते हो जैसे कि पानी भर गया है। इतनी बारिश जबरदस्त हुई है, इतना ठंडा मौसम हो गया है, और बहुत ही अच्छा सुहाना मौसम है। तो ऐसे मौसम में ना बस, तो यहाँ पे बारिश बंद होने के बाद हम लोग छत पे आए थे, तो यहाँ से पानी इतना चला गया नीचे कि पूरा पानी ही पानी भरा हुआ था। और हमारा नीचे तखत पड़ा हुआ था, उस पर बिस्तर था वो भी भीग गया, तकिया भी भीग गई। तो मैंने सोचा इसको मैं सही कर देती हूँ और फिर पानी नहीं आएगा। ए दुल्हन, ए पूजा, पूजा मम्मी से बाद में बात करना, पहले आप ये काम करिए आके, ये सब हटवाओ यार, नीचे पानी जाता है।
पता है ये इसका मतलब इसका अंदर डाला गया है, कल रात में इतनी हवा चली, इतना पानी आया, सारा का सारा पानी नीचे भरा हुआ है। हम कह रहे थोड़ी सी मेहनत कर लो इसको हटा के और फिर से हम इसको सही से डाल देते हैं, यानी कि एक एक बूंद भी नीचे पानी नहीं जाएगा। तो सुन नहीं रही है मेरी बात को, क्योंकि पानी नीचे जाता है। कल एक बिस्तर भीग गया मेरा, अब कल जब धूप आए तब हम उसको सुखाएं, है ना। तो चलिए करते हैं, क्योंकि ये मतलब छोटा पड़ा हुआ था, लंबी है ये पन्नी, और इसको हम सही से डाल देंगे ना तो पानी एक बूंद भी नीचे नहीं जाएगा। और यहाँ पे सूट किया है अनिका ने, तो इतना वो हिला रही हैं, पर बोल रही थी मम्मा ज़रूर ये क्लिप डालना, तो मैंने ऐड कर दिया। कह रही थी मैंने सूट किया है तो ज़रूर डालिएगा। तो हमने इसको मतलब सारा जो इस पर रखा हुआ था सामान सब उठा के हमने अलग रख दिया, और फिर इस सही से डाल देंगे कि पानी बिल्कुल नीचे ना जाए, क्योंकि हमारे गद्दे भी भीग गए और नीचे का काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और जब नीचे पानी चला जाता है ना तो पैर भी स्लिप होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो मैंने वाइपर कर दिया था लेकिन फिर भी जल्दी सूखता नहीं है, तो अनिका ना कूदती रहती है, भागती रहती है, तो डर लगा रहता है कहीं पैर वैर स्लिप हो गया। तो यही चीज़ है, तो मैं सारा फिर से अच्छे से रख दूंगी, और ताकि हवा चाहे जितनी भी तेज आए ये उड़ के कहीं जाए ना, तो ये गमले ऐसे ही रखे हुए थे तो मैं इनको रख दूंगी तो भारी हो जाएगा तो उड़ेगा भी नहीं। और अनिका हंस रही थी, कह रही थी कि पापा आप सही से नहीं रख रहे हो, और हमको पापा यहाँ पे बोल रही थी अनिका। और अनिका मस्ती भी करे जा रही थी और सूट भी कर रही थी हिला हिला के, कैमरा बहुत ज़्यादा हिलाई है। और तो हम ये सब कुछ रख देंगे और फिर हमको जाना है मार्केट भी, क्योंकि सब्जी और नाश्ता कुछ बचा नहीं है, और मौसम सही हो गया है तो चले जाते हैं, नहीं तो पता नहीं बारिश कब तक लगी रहे और सारा सामान भी घर में ख़त्म हो गया। तो मुझसे किसी ने बोला था कि आपका मतलब इस टाइम पे खर्चा कौन ससुराल में चला रहा है, आप कैसे अपना खर्चा चला रहे हैं इतने दिनों से, तो बराबर कमेंट आ रहे थे। तो मैं उनको बता दूं कि खर्चा कौन चलाएगा, मैं खुद से कोई और थोड़ी ना मेहरबान हो जाएगा मुझ पे खर्च देने के लिए, तो मैं खुद से चला रही हूँ। और तो ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ ना बोरी में लगा हुआ, तो ये मैंने साबुन ना बचपन में देखा था, पहले मेरे घर पे आते रहते थे ये साबुन, और आज मैंने देखा तो भैया कह रहे थे कि यहाँ पे ये बिकते हैं साबुन बहुत ज़्यादा, इसलिए रखे हुए हैं। तो हम जाके मार्केट करके घर आ गए हैं, झाड़ू भी नहीं था वो भी ले आए हैं, और सारा सामान लेके घर आ गए गाइस। तो वही चीज़ें हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि कौन मेरा खर्चा उठा रहा है, तो कोई नहीं उठा रहा है, मैं खुद से कर रही हूँ जैसे भी कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे अनिका सारा सामान लेके आई है और निकालेंगी, तो सब्जी और लेके आए हैं, और नाश्ते में जो भी नहीं था वो लेके आए हैं, तो अब इनको निकाल के रख लेंगे, क्योंकि एक घंटे से तो थैला ऐसे ही बंद बंद रखा हुआ था, और अब सारा सब कुछ निकाल के रख देंगे सामान को। और दूध नहीं था, तो दूध की मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, चाय हम लोग इस टाइम पे काली पी रहे थे 2-3 दिनों से, अनिका रोने लग जाती थी कि काली चाय हम नहीं पियेंगे, तो हम ये डिब्बे वाला दूध सूखा वाला पाउडर जो होता है वो ले आए हैं, और इसी से चाय बनाएंगे, देखते हैं कैसी लगती है। इससे पहले तो मैंने नहीं यूज किया है, मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम होगा, तो देखते हैं कि कैसी बनती है इसकी चाय। और तो अनिका सारा सामान निकाल रही हैं। तो गाइस प्लीज़ ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जो न्यू आते हो ना तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपनी फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मुझे थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो यही चीज़ें हैं, तो अनिका आपको बताए जा रही हैं, लेकिन आवाज़ बहुत स्लो बोल रही थी इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, और आगे अनिका आपको बताएंगी क्या से क्या चीज़ लेके आए हैं। तो हमको तो बोलने ही नहीं दे रही हैं, खुद से खुद बोल रही हैं, तो अभी सुनिएगा अनिका की भी बात। और तो गाइस बनी रहिए एंड तक, और ब्लॉग काफ़ी लेंथी हो ही जाता है, कुछ भी करो ना थोड़ा सा भी मतलब कट करने का करो तो फिर कुछ इसमें क्या कट करते, सब कुछ तो दिखाना ही दिखाना था, इसलिए
अनिका आपको एक एक चीज़ बताए जा रही हैं कि ये हम लेके आए हैं, वो लेके आए हैं, भी फिर से बताएंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे वॉइस बहुत स्लो आ रही थी अनिका की, तो कोई फ़ायदा नहीं था डालने का, तो अभी मैंने वॉइस ओवर कर दिया। और तो चलिए गाइस अनिका की बात सुन लीजिए कि अनिका क्या क्या मार्केट से लेके आई हैं, वो आपको बताती हैं। फिर मिलते हैं अभी आपको थोड़ी सी देर में। तो गाइस आज हम गए थे मार्केट सब्जी लेने, और हम अनिका सभी लोग गए थे, हम अनिका पूजा, तो इतना सारा सामान लेके आए हैं। और इसमें मतलब दूध नहीं था, दो दिन से हम लोग काली चाय पी रहे हैं, तो दूध हमेशा दूध था नहीं, तो हम ये पाउडर वाला लेके आए हैं, तो इसी से चाय बनाएंगे, क्योंकि बिना दूध की चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और सारा नाश्ता वगैरह भी ख़त्म हो गया था आज सुबह, नमकीन और बिस्किट भी नहीं थे, ना तो रस था। ये परी बिस्किट, ये है गुड्डा गुड्डा क्या है बोलो फिर हम। ये है शैम्पू, लक्ष्मी प्लैटिनम अंडे वाला, और ये है गोली। तो सारा सामान हम ले आए, अनिका बता दी है, मैक्रोनी भी लेके आए हैं बस, और ये है बैंगन, और इसमें क्या है आम, इसमें आम है, और इसमें है आलू, और इसमें है प्याज, ठीक है, और इसमें है दूध, ठीक है। तो गाइस इतना सारा सामान हम ले आए हैं, तो ये सब्जी तो हम हरी इसलिए ज़्यादा नहीं लाते क्योंकि आपको पता है सूख जाती है। आलू वगैरह ले आए हैं, और थोड़ा बहुत सामान है कि दो तीन दिन हमको बाज़ार ना जाना पड़े, और नाश्ता वगैरह है वो भी सब ले आए हैं। और इतने टाइम देखते हैं क्या बनता है खाने में, क्योंकि सुबह का भी नहीं, सुबह का भी रखा हुआ है खाना, किसी ने खाया ही नहीं था, थोड़ा बहुत खाया था, वो भी रखा हुआ था, तो देखते थोड़ा बहुत जो भी है बन जाएगा। और फिर अनिका की देखो अब सारा सामान ये हम रख देते हैं। पूजा वो डलिया लिया, सब्जी निकाल के रख दें, तो रख लेते हैं गाइस, है ना, नहीं तो ये बंद बंद पन्नी में एक घंटा हो गया है हमको लाए हुए। और चलिए गाइस फिर, और